नमस्कार, मैं हूं आकाश द्विवेदी और आप है 7i News के साथ। किसी ने सच कहा है, शिक्षा को जीवन का मूल आधार माना जाता है। अशिक्षा किसी भी समाज के लिए अभिशाप है और शिक्षा सभी बुराइयों को दूर करने में मदद करती है और उस कोमल विद्यार्थी को अपने विचारों, कर्मों और मेहनत से शिक्षित बनाकर उन्हें परिपक्व करने का बीड़ा शिक्षक ने ही उठा रखा है। युवा पीढ़ी को सही दिशा प्रशस्त करना, उन्हें भ्रमित होने से रोकना और उचित मार्गदर्शन देकर उनका हौसला बढ़ाने का कार्य शिक्षक ही बखूबी वहन करता है। अतः शिक्षक वो धुरी है जिसकी पनाह में विद्यार्थी नवसृजन कर नए आयाम स्थापित कर सकता है। कुछ ऐसा ही सोचकर एक महिला अपने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। यह महिला पेशे से पुलिस कांस्टेबल है। जी हां, आपने सही सुना, पुलिस की ड्यूटी तो समझ सकते हैं आप कितनी व्यस्त रहने वाली होती है, लेकिन फिर भी इस पुलिस मैडम ने अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। आइए पुलिस मैडम की कहानी देखते चलते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा देहात में, बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस स्टेशन में गुड्डन तैनात हैं। पुलिस की ड्यूटी, दिन भर के थकान, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर एक महिला अपने गांव में पाठशाला चला रही है। इन बच्चों से इस पुलिस मैडम का खून का रिश्ता नहीं है, रिश्ता है ममता का, रिश्ता है इंसानियत का और रिश्ता है अपनेपन का। गुड्डन कहती हैं, ये गरीब घर के बच्चे हैं, ये शिक्षा के लिए बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पढ़ाती हूँ। पढ़ाने के साथ पुलिस मैडम इन गरीब बच्चों को कॉपी किताब भी मुहैया कराती हैं। गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का उनका मकसद है कि जो माँ बाप पैसों की कमी के चलते अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वे उनके बच्चों को पढ़ाएं ताकि इन बच्चों का भविष्य संवर सके और यह बच्चे तरक्की करें। उन्होंने कहा कि वे अपनी तनख्वाह का लगभग 30% बच्चों पर खर्च करती हैं। वे यहाँ लगभग 4 महीने से इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। गुड्डन के चेहरे पर तब मुस्कुराहट बिखर जाती है जब बच्चे इन्हें पुलिस मैडम कहकर पुकारते हैं। गुड्डन के शब्दों में कहें तो एक प्रोफेशन से उनकी रोजी रोटी चलती है और दूसरे बच्चों को पढ़ाने से उन्हें संतुष्टि मिलती है। पुलिस कांस्टेबल के रूप में व्यस्त दिनचर्या के बावजूद बच्चों को अलग से पढ़ाने के लिए आखिर उन्हें कहां से प्रेरणा मिलती है? इस पर गुड्डन कहती हैं, मैं सिर्फ अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा इन बच्चों को दे रही हूं, सिर्फ शिक्षा ही है जिससे इनका भविष्य संवर सकता है। निश्चित ही पुलिस की नौकरी से व्यस्तता अधिक होती है, पर हर किसी को अपने पैशन के लिए समय निकालना होता है। मेरा यही पैशन है, मुझे इन बच्चों को पढ़ाकर संतुष्टि मिलती है और खुशी मिलती है। मैं जब मथुरा में पढ़ती थी तब से यह करती आ रही हूं। 2016 की कांस्टेबल गुड्डन अपनी सैलरी का 30% हिस्सा इन बच्चों पर खर्च करती हैं। यही वजह है कि थाने में उनके सीनियर भी उनका सम्मान करते हैं। खुर्जा के सीओ राघवेंद्र मिश्रा कहते हैं, हम गुड्डन के कार्य की सराहना करते हैं, वह पढ़ाने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी इन बच्चों की मदद करती हैं। उनके इस नेक काम में हम हमेशा उनके साथ हैं। गुड्डन की इस नेक पहल को देखकर लोगों में पुलिस के लिए छवि बदली है। लोगों के मन में पुलिस के लिए रौबदार कड़क आवाज, एक सांस में कई सवाल पूछने और जवाब देने से पहले ही डंडा चला देने वाले पुलिस की छवि सामने आती है। लेकिन गुड्डन को देखकर लोगों की पुलिस के प्रति इज्जत बढ़ गई है। एक बच्चे जिन्हें गुड्डन पढ़ाती हैं, उनके पिता मोहर सिंह कहते हैं, पुलिस की जो छवि मेरे दिल में थी, मैडम ने उसे बदल दिया है। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक बेहतर जिंदगी जी पाए, लेकिन मैडम हमारे लिए किसी आशीर्वाद की तरह आई हैं। हम उनके आजीवन आभारी हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा नहीं सकते। हम भी अगर गुड्डन की तरह अपने आसपास के गरीब बच्चों को दिन में कम से कम 1 घंटे का समय दें तो हम भी ऐसे कई गरीब बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग दे सकते हैं। किसी को पढ़ाने से हमारा ही ज्ञान बढ़ेगा, समय का सदुपयोग होगा, समाज का विकास होगा और ईश्वर से साक्षात्कार का संतोष होगा। 7i ब्यूरो के लिए फिरोजा खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही 7i News के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।